Hello and assalamu alaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. So in today's video we're going to talk about international students. International students are unhappy with the recent changes in postgraduate work permit. So this video is going to be really important for international students who are getting online classes. Stay with me. Let's start now. Welcome back to my YouTube channel. As I told you in the beginning of this video, we're going to talk about international students. International students, they while living like, you know, like a home countries, they are taking online classes. Unko leke Government of Canada ne 12 February 2020 ko ek announcement ki thi, jiske baad student ko ek trust hua tha ke once they're going to finish their study, they're going to get something by the end, even though they are living like, you know, in their own countries, they are not studying in person in Canada, still they're going to get something by the end of their courses. Government ne announcement ki thi ki jo student bhi online classes leke 100% apne courses complete karenge, wo iske baad eligible honge postgraduate work permit ke liye. और एक रिसेंटली अभी एक अनाउंसमेंट की गई है जिसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गोना बी अनहैप्पी एंड इट्स अ काइंड ऑफ बैड न्यूज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अब एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया है कि फॉल 2020 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक जितने भी स्टूडेंट्स का ये कोर्सेज हैं इस ड्यूरेशन में है उनका जो वो टाइम है वो काउंट होगा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए. अब 31 दिसंबर 2021 के बाद का जो टाइम हो वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए काउंट नहीं होगा. सो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे लाइक दे वर पेइंग लाइक अ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर व्हाइल दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, दे लिविंग लाइक यू नो इन होम कंट्रीज, स्टिल दे वर पेइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर. इंटरनेट के बेतहाशा इश्यूज थे कुछ कंट्रीज में, लाइक यू नो कैनेडा हैड अ लाइक यू नो द टाइम वेरिएशन. जैसे कि अभी कैनेडा में, कैनेडा और पाकिस्तान का ले लो या कैनेडा और इंडिया का ले लो, 8 घंटे का 9 घंटे का डिफरेंस है. जब यहां पे क्लासेस ऑनलाइन हो रही होती थी वहां पे नाइट होती थी. इंटरनेट के इश्यू बैक कंट्री में बहुत होते हैं, ये सब इश्यूज इंटरनेशनल स्टूडेंट ने फेस किए. इवन दो जिन स्टूडेंट्स ने क्यूबेक के लिए अपनी फाइल लगाई हुई थी दे आर वेटिंग इवन आफ्टर अ ईयर एंड दे आर कंप्लेनिंग अबाउट यू नो कि उनके लिए भी जो क्यूबेक में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनकी वीजा एप्लीकेशन को भी प्रायोरिटी पे रखा जाए, स्टिल दे आर वेटिंग फॉर देयर वीजा डिसीजन एंड यू नो दे आर टेकिंग लॉन्ग. सो दिस इज द थिंग. इंटरनेशनल स्टूडेंट अब जो भी 31 दिसंबर 2021 के बाद का जो उनका ऑनलाइन क्लासेस का टाइम होगा वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए काउंट नहीं होगा. सो आई एम सो सॉरी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बट दिस इज द न्यूज. सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू सून एंड नेक्स्ट वन. बाय बाय.